स्वागत है एक बार फिर से आपका एबल एजू हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम अपने बात कर रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम मिले आपसे जहां पर हमने जिम्नोस्पर्म को स्टार्ट किया और जिम्नोस्पर्म के अंदर पाई जाने वाले कुछ करैक्टर्स को बारे में बातें की कि कैसे करैक्टर्स जो जनरल करैक्टर्स होते हैं, सामान्य लक्षण जो होते हैं वो हमें कैसे मिलते हैं, किस प्रकार के मिलते हैं। तो यहाँ पर जिम्नोस्पर्म के लास्ट लेक्चर तक हमने अपने वहां तक बातें कर ली थी कि लीफ होती है वो डाइमॉर्फिक प्रकार की होती है, द्विरूपी प्रकार की मिलती है, कैम्बियम होगा और सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है यानी द्वितीयक वृद्धि जो होती है वो कुछ ही पादपों के अंदर है वो क्या होती है यहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, इन सभी के ऊपर है वो हमने अपनी बातें हैं वो कर ली थी। तो यहां पर हम आगे बात करते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म के पादप होंगे यहां पर क्या हमें देखने को मिलेगा कि जिम्नोस्पर्म में क्या पाया जाता है, संचरण ऊतक पाया जाता है। यहां पर किस प्रकार के होंगे हमारे पास संचरण टिश्यू यानी कि जो ट्रांसफॉर्मेशन करने वाले होते हैं, ट्रांसफ्यूजन करने वाले होते हैं, संचरण एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले होते हैं उनको कहेंगे टिश्यू होता है, वो यहां पर क्या होता है पाया जाता है। तो ध्यान रखिएगा यहां पर क्या मिलता है हमें कि संचरण जो होगा वो एक स्थान से दूसरे स्थान में जब जाता है तो यहां पर वो क्या होता है पाया जाता है। ठीक है, ये बातें हमने देखी। इसकी लीफ के अंदर क्या मिलता है हमें, रेजिन नलिका और श्लेष्मी नलिका है वो भी पाई जाती है। तो इसीलिए हमने बोला था कि डाइमॉर्फिक प्रकार की होती है। लीफ के अंदर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, रेजिन ट्यूब या रेजिन नलिका जिसे हम बोलते हैं वो पाया जाता है। रेजिन नलिका भी यहां पर हमें देखने को मिलती है और इसके साथ साथ श्लेष्मी नलिका जो होती है वो यानी कि किसी पदार्थ का स्त्रावण करने वाली वो भी यहां पर हमें देखने को मिलेगी। तो रेजिन और श्लेष्मा नलिका क्या होती है यहां पर पाई जाती है। ठीक है, तो हमने दो बातें अपनी कर ली है कि रेजिन जी होती है और साथ साथ में यहां पर क्या होगा श्लेष्मी नलिकाएं जो मिलती है वो भी हमारी यहां पर क्या होती है पाई जाती है। इसके साथ साथ यहां पर हमारे पास क्या होता है मुसला मूल है वो पाई जाती है, यानी कि हमारे पास कौन सी होगी यहां पर एडवेंटेज रूट है वो पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगी अब एडवांटेज रूट होती है यानी अपस्थानिक जड़ें हैं वो भी यहां पर होगी और साथ साथ में वो क्या होती है यहां पर मुसला मूल यानी कि रूट जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, तो यानी कैसी स्ट्रक्चर यहां पर देखने को मिलती है, तो मुसला मूल नुमा संरचना अपस्थानिक जड़ें हैं वो भी हमें यहां पर देखने को मिलेगी। अब इस रूट के ऊपर बात करते हैं, रूट में कौन लगे रहते हैं, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं वो पाए जाते हैं, बैक्टीरिया या जिसे हम फंजाई भी कह सकते हैं, फंजाई पाई जाती है जो क्या करते हैं यहां पर प्लांट के साथ है वो किस अवस्था में रहते हैं, एक सहजीवी यानी सिम्बायोटिक अवस्था में रहती है। तो प्लांट के साथ किस अवस्था में यहां पर पाई जाएगी, तो वो सिम्बायोटिक अवस्था में, तो कैसे सहजीवी अवस्था के अंदर है वो हमें यहां पर देखने को मिलती है, सहजीवी अवस्था के अंदर है वो पाई जाती है। सहजीवी अवस्था में क्या होती है वो पाई जाती है। ठीक है ना, तो यहां पर हमें यही देखने को मिला है कि कैसे कैसे करैक्टर्स होंगे वो जिम्नोस्पर्म के अंदर मिलेंगे। तो हमें देखने को मिला कुछ बैक्टीरिया या फंजाई जो होती है वो यहां पर हमें देखने को मिली है। इसके बाद में यहां पर हम बात करें तो यहां पर जो रूट जो होती है उसमें जाइलम एक्जार्च और एंडार्च कंडीशन के अंदर है वो भी हमें यहां पर मिलता है। तो देखिए किस प्रकार से हमें देखने को मिलेगा, रूट में जाइलम यानी कि जड़ में जाइलम की बात हम कर रहे हैं तो वो किस तरह मिल सकता है, तो वो एक्जार्च कंडीशन के अंदर भी मिल सकता है और यहां पर एंडार्च कंडीशन यानी कि अंत और बाह्य जाइलम होता है वो भी यहां पर पाया जाता है।
ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर क्या करेक्टर्स हमें देखने को मिलेगा, तो एंडार्च और एक्जार्च कंडीशन है वो हमारे यहां पर जाइलम के रूप में है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, एक्जार्च और एंडार्च कंडीशन हमें मिलती है, साथ साथ में यहां पर क्या होते हैं हमारे पास रूट में क्या होंगे, यहां पर जड़ जो होती है तो रूट में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं। कौन होता है यहां पर हमारे पास, नील हरित जो शैवाल होते हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर कैसे होते हैं हमारे पास नील हरित शैवाल जो होते हैं वो हमें मिलते हैं, जिसे नील हरित शैवाल को हम किस नाम से जानते हैं, अपना ब्लू ग्रीन एल्गी जो होता है वो भी हम इसे कहते हैं। तो हमें यहां पर करेक्टर्स देखने को मिला कि किस तरह से यहां पर संचरण ऊतक पाया जाता है, संचरण टिश्यू होगा, श्लेष्मा और रेजिन नलिका है वो भी पाई जाती है, एडवांटेज रूट जो होती है जो मुसला मूल भी पाई जाएगी, उसके साथ साथ यहां पर फंजाई सहजीवी रूप में कोई बैक्टीरिया भी पाया जाता है, जाइलम जो होगा वो एक्जार्च और एंडार्च कंडीशन के अंदर मिलता है और रूट के अंदर है वो हमारे पास कौन देखने को मिला है यहां पर हमारा, कि जो नील हरित शैवाल जिसे हम ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन शैवाल कहते हैं वो भी हमारा यहां पर पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम यहां पर बात करते हैं इन करेक्टर्स के बाद में अब बात करेंगे कि यहां पर जो स्पोर का निर्माण होता है यानी कि नर भाग और मादा भाग होते हैं वो कैसे होते हैं, एक शंकु रूप के अंदर पाए जाते हैं। तो यहां जिम्नोस्पर्म के अंदर बात करेंगे, नर या मेल भाग के ऊपर है वो बात कर लेते हैं, मेल और फीमेल भाग, फीमेल पार्ट क्या होता है, एक शंकु रूप के अंदर है वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं, तो शंकु रूप में पाए जाते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर क्या होता है हमारा शंकु रूप में है वो हमारे पास यहां पर करेक्टर्स देखने को मिलते हैं कि मेल भाग कैसे होगा और फीमेल भाग होता है वो यहां पर किस प्रकार का है वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में यहां पर कैसे होंगे कि नर और मादा जननांग जो है वो कैसे होते हैं, हिटेरोस्पोर्स के रूप में यानी कि हिटेरोस्पोर्स है वो पाए जाते हैं, यानी देखिए फीमेल एंड मेल जननांग पाए जाते हैं, यानी कि हमें यही देखने को मिला था कि मेल और फीमेल पार्ट होते हैं वो शंकु रूप में मिलते हैं लेकिन जो ऑर्गन होते हैं जननांग होते हैं जिसे हम बोलते हैं वो भी यहां पर पाया जाता है। अब इसके बाद में हमारे पास देखिए कि ये जिम्नोस्पर्म जो होगा, जिम्नोस्पर्म के ऊपर हम बात करते हैं तो जिम्नोस्पर्म हमेशा ही कैसी अवस्था के अंदर रहता है, तो हिटेरो इस अवस्था के अंदर रहता है हमारा, ये हिटेरोस्पर्म्स कहते हैं, हिटेरोस्पोर्स कहा जाता है, हिटेरोस्पर्म्स कहां से, हिटेरोस्पोर्स कहा जाता है, यानी कि इसके अंदर कैसी अवस्था मिलती है हमें, विषम बीजाणुकता मिलती है। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसे करेक्टर्स जो होते हैं वो हमारे यहां पर देखने को मिलते हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो पादप होते हैं यानी कि जिम्नोस्पर्म जो होंगे जिनके अंदर स्पोर बीजाणु जो बनते हैं वो कैसे बनते हैं, हिटेरोस्पोर्स के रूप में है वो हमें यहां पर मिलते हैं। हिटेरोस्पोर्स का मतलब देखिए क्या होता है यहां पर हमारे पास, तो एक भाग तो होगा जो क्या होता है माइक्रोस्पोर का निर्माण है वो करता है, दूसरा भाग यहां पर कैसा होता है जो मेगास्पोर का निर्माण होता है वो यहां पर किया जाता है, यानी कि ये तो होता है हमारा लघु बीजाणु। ठीक है, ये भाग तो हमारा कौन होगा, लघु बीजाणु होगा, और इसके साथ साथ यहां पर कौन होता है हमारा दीर्घ बीजाणु भाग होता है वो भी यहां पर क्या होता है हमारा पाया जाता है। अब देखिए जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, कहां पर बनते हैं, तो ये कहां पर बनेंगे हमारे पास माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर है वो बनते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, और मेगास्पोर जो होते हैं वो कहां बनते हैं, तो मेगास्पोरेंजिया जहां पर पाया जाता है वहां पर ये बनते हैं। ठीक है,
तो हमने अब बातें कर ली कि हमारे पास विषम बीजाणुता अवस्था होती है वो यहाँ पर पाई जाती है, जिसमें से माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर है यानी लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु है वो कहते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम और मेगास्पोरेंजियम के अंदर है वो होता है। ठीक है, ये बातें हमने चलो देख ली है, लेकिन यहां से हमारे पास क्या देखने को मिलेगा कि इस भाग को हम क्या बोलते हैं यहां पर, लघु बीजाणु धानी है वो कहा जाता है। ठीक है, इस भाग को हम किस नाम से जानते हैं? लघु बीजाणु धानी नाम जानते हैं। और ये जो होगा वो कौन सा होगा हमारा यहां पर? दीर्घ बीजाणु धानी है वो कहते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास कैसे कैरेक्टर्स जो होंगे वो यहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो लघु बीजाणु और दीर्घ बीजाणु धानी का निर्माण जो होता है वो यहां पर हमें देखने को मिलेगा, जिससे हमारे पास इन सभी के अंदर माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर टोटल बात करें तो यहां पर कौन सी अवस्था जो है वो हमारी पाई जाएगी, तो हिटेरोस्पोर्स अवस्था होती है वो हमारे पास यहां पर देखने को मिलती है, यानी विषम बीजाणुकता अवस्था होती है वो ये पाई जाती है। ठीक है, ये बातें हमने यहां पर देखी। अब बात करते हैं हम कि इस माइक्रोस्पोर के अंदर जो लघु बीजाणु धानी का निर्माण यहां पर हो रहा है, इस लघु बीजाणु के अंदर है वो हमें क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए कि जो माइक्रोस्पोर की बात हम कर रहे हैं, तो माइक्रोस्पोर्स में क्या होता है, अनेक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है। क्या होता है यहां पर? अर्धसूत्री विभाजन है वो यहां पर होता है। तो इसके अंदर अनेक प्रकार का अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी विभाजन होता है और क्या बनते हैं, अनेक स्पोर का निर्माण है वो किया जाता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है और क्या करते हैं वो, अनेक स्पोर का निर्माण है वो यहां पर किया जाता है। अनेक स्पोर का निर्माण जो होता है, निर्माण होता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस कैरेक्टर्स को, क्या होता है यहां पर कि हमारे पास क्या होगा कि अनेक स्पोर का निर्माण है वो यहां पर देखने को मिलेगा, जब इस दोनों के अंदर क्या होता है हमारा, अर्धसूत्री विभाजन होता है वो पाया जाता है। ठीक है, अब क्या होगा कि माइक्रोस्पोर से, माइक्रो जो स्पोर बना है, इस माइक्रोस्पोर से हमारे पास किस कौन सा भाग बनेगा, मेल गेमिट जिसे हम बोलते हैं उसका निर्माण किया जाता है, यानी कि नर भाग जिसे हम बोलते हैं उनका निर्माण यहां पर किया जाएगा। इसके बाद में यहां पर किसका निर्माण होता है हमारे पास, मेघा स्पोर का निर्माण है वो होगा। तो मेघा स्पोर से किसका निर्माण होता है हमारे पास है, वो फीमेल गेमिट का निर्माण है वो होता है, यानी कि मादा भाग का निर्माण है वो होगा। तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर दो बीजाणु धानियां बनती है, उन दोनों बीजाणु धानियों के अंदर है जो सबसे छोटे जिसके अंदर स्पोर होंगे, बीजाणु बनेंगे, वो तो माइक्रोस्पोरेंजिया होगी, जिसके अंदर मेल भाग बनता है यानी मेल जो नर भाग होते हैं उनकी जो स्पोर होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर है वो पाए जाते हैं। लेकिन यदि मेगास्पोर के ऊपर हम बात करते हैं तो मेगास्पोर के अंदर पाया जाने वाला जो बीजाणु होता है वो संख्या में कम होते हैं लेकिन साइज में क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा माइक्रोस्पोर नर भाग होता है वो क्या होते हैं, आकार में छोटे होते हैं और असंख्या होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा कि आकार में तो छोटे होंगे और असंख्या के अंदर है वो बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर हमारे पास यहां पर पाए जाएंगे, लेकिन आकार में तो ये बड़े होते हैं लेकिन संख्या में क्या होते हैं, ये कम होते हैं। ध्यान रखिएगा जो मेल फीमेल भाग होती है, फीमेल भाग से जो एग का निर्माण होना होता है वो क्या होता है, कम होता है और उनका साइज बड़ा होगा, लेकिन मेल भाग का स्पर्म यानी कि जो स्पोर बनता है उसका साइज छोटा होता है और वो संख्या के अंदर क्या होते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर होते हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास क्या होता है कि यहां पर
इस स्पोर के बाद में यानी बीजाणु धानिया जो बनती है मेगास्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजियम, इन सभी के बाद में एक अवस्था आती है जिन्हें क्या बोला जाता है, यूस्पोरेंजिएट स्टेज है, वो भी इनके अंदर पाई जाती है। तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा यहां पर, तो देखिए यू बीजाणुधानी, क्योंकि जब इस मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का निर्माण हो जाता है तो बीजाणुधानी का डेवलपमेंट डेवलपमेंट किससे होता है यहां पर, यूस्पोरेंजिएट के द्वारा होता है, यूस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिएट के द्वारा होता है। आपको ध्यान में होगा कि जब हम टेरिडोफाइटा के अंदर बात कर रहे थे तो वहां पर हमने देखा था कि बीजाणुधानी दो प्रकार से बनती है, एक तो होता है लेप्टोस्पोरेंजिएट, दूसरा होता है यूस्पोरेंजिएट। लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है वो तो अपनी दोनों सेल जो अपर और लोअर सेल होती है उन दोनों का काम है वो कहां करता है, इस बीजाणुधानी के निर्माण में करता है। लेकिन यदि हम बात करें लेप्टो यूस्पोरेंजिएट के ऊपर तो यूस्पोरेंजिएट के अंदर ओनली फॉर अपर सेल ही है, वो क्या करती है बीजाणुधानी का निर्माण है वो करती है। इससे क्या हो जाएगा हमारे पास लोअर सेल होती है वो बीजाणुधानी के निर्माण में सहायता है वो यहां पर नहीं करती है। ठीक है, तो हमने देखा कि लेप्टोस्पोरेंजिएट और यूस्पोरेंजिएट होता है वो क्या होता है यहां पर, यूस्पोरेंजिएट के द्वारा है वो बीजाणुधानी का निर्माण है वो होता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखिए कि इसका पर जो परागण होता है यानी कि परागण वायु के द्वारा है वो होगा, यानी स्पोर का जो होगा परागण जो होते हैं परागण किसके द्वारा होते हैं यहां पर, वायु के द्वारा है वो होते हैं, यानी एयर के द्वारा है वो हमें यहां पर क्या दिखेगा, वायु होती है वो बीजाणु दूसरे भागों में लेकर जाती है और वहां पर इनका क्या होता है यहां पर हमारे पास निर्माण है वो होता है। तो अब देखिए क्या होगा, ये तो हमने देख लिया, लेकिन जो मेल भाग होगा मेल गैमिट होता है वो क्या करता है, तो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यहां पर देखिए मेल गैमिट की बात हम यहां पर कर रहे हैं, तो मेल गैमिट पोलन ट्यूब की सहायता से क्या होगा यहां पर, पोलन ट्यूब की सहायता से है, सहायता से कहां जाएगा ये, पोलन ट्यूब की सहायता से वो क्या करता है यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, स्त्रीधानी में प्रवेश करता है, यानी कि मेगास्पोरिंजिया जहां होती है स्त्रीधानी में क्या करता है यहां से प्रवेश है वो करता है। ठीक है, तो हमें यहां पर देखने को मिला कि जो मेल गैमिट होगा वो क्या करता है फीमेल गैमिट के अंदर, मेल गैमिट फीमेल गैमिट के अंदर किसकी सहायता से, यहां से पोलन ट्यूब की सहायता से है वो इस फीमेल गैमिट के अंदर है वो यहां से प्रवेश करेगा और प्रवेश करने के बाद में वो क्या करता है वहां पर जाकर उनके मध्य क्या होता है निषेचन होता है फर्टिलाइजेशन होता है और फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या बनता है वहां पर जाइगोट का निर्माण है वो होता है। तो यहां पर क्या होगा कि प्रवेश करने के बाद क्या होता है हमारे पास इंटर किया, इंटर करने के बाद वहां पर क्या होता है निषेचन होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन जो होगा निषेचन होता है और क्या होगा यहां पर जाइगोट का निर्माण है वो होता है, यानी कि युग्मनज जिसे हम बोलते हैं तो युग्मनज का क्या होता है यहां पर निर्माण है वो होता है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिलता है जाइगोट युग्मनज का निर्माण होगा। अब युग्मनज में क्या होता है अनेक प्रकार के गिल्वेज होकर पोलो एम्ब्रिया है वो यहां पर होगा, तो अब यहां से हमारे पास क्या देखने को मिला जाइगोट में क्या होगा यहां पर किल्वेज जो होता है वो होता है, किल्वेज होता है और ये किल्वेज होता है किल्वेज होने के बाद और किसका निर्माण कर देता है पोली एम्ब्रियो का क्या करती है यहां पर
निर्माण होता है, यानी कि इसके अंदर हमारे पास अनेक प्रकार के किल्वेज होंगे। किल्वेज का मतलब डिवीजन होंगे, और उनको छोटे छोटे डिवीजन कर कर किसका निर्माण कर देता है, पोली एम्ब्रियो का निर्माण है वो कर देता है। और इसके अंदर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है, वो किससे, निषेचन से पहले ही हो जाता है। तो इसके अंदर किसका निर्माण हम पूछ रहे हैं, एम्ब्रियो का निर्माण या फिर एंडोस्पर्म का निर्माण होता है वो किससे, निषेचन से पूर्व ही हो जाता है। जो एंडोस्पर्म होते हैं, एंडोस्पर्म का निर्माण की बात करें तो एंडोस्पर्म का निर्माण जो होगा वो कब हो जाता है यहां पर, कि फर्टिलाइजेशन जब हो रहा है, दोनों के बीच में जब फर्टिलाइजेशन निषेचन होता है, तो निषेचन यानी कि एंडोस्पर्म का निर्माण निषेचन के, फर्टिलाइजेशन जब होगा तो उस टाइम जो निषेचन हो गई, तो निषेचन से क्या हो जाता है, पूर्व में हो जाता है या निषेचन के पहले हो जाता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिला है कि इसका निर्माण जो होता है वो कैसे होता है। तो इसका निर्माण हमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन जो भाग होगा उससे हमें पहले देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान देखिएगा यहां पर, यानी कि अंडाशय की तो अनुपस्थिति के कारण यहां पर क्या होता है, ट्रू फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। मेन कैरेक्टर्स यहां पर ये बात है कि यहां पर क्या होगा हमारा, कि अंडाशय का निर्माण जो होगा वो नहीं होता है, अंडाशय नहीं बनता है। ठीक है ना, तो देखिए अंडाशय नहीं बनता है, ये अंडाशय नहीं बनेगा तो इससे क्या हो जाएगा कि ट्रू फ्रूट के ऊपर बात करते हैं। ट्रू फ्रूट यानी कि सत्य फल के ऊपर है वो हम बात करते हैं, कि इसके अंदर सत्य फल का निर्माण जो होता है वो नहीं होगा, सत्य फल का क्या होगा यहां पर, निर्माण नहीं होता है। ठीक है ना, तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि जो सत्य फ्रूट बनते हैं यानी सत्य फल जो बनेगा उसका निर्माण है वो यहां पर हमारे पास नहीं देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंडाशय होगा वो नहीं बनता है, अंडाशय नहीं बनेगा तो ट्रू फ्रूट का निर्माण जो होता है वो भी हमें नहीं देखने को मिलेगा, और निषेचन से पहले ही वो क्या कर लिया जाता है, एंडोस्पर्म का निर्माण है वो यहां पर कर लिया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है हमारे पास, जाइगोट से अनेक प्रकार के किल्वेज हमें देखने को मिलते हैं, और वो किल्वेज क्या करते हैं यहां पर, पोली एम्ब्रियो का निर्माण होता है वो हमें यहां पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो थे हमारे पास कि यहां पर हमारे पास जिम्नोस्पर्म के अंदर कैसे कैसे किस प्रकार के कैरेक्टर्स जो होते हैं वो पाए जाते हैं। जब देखिए किस तरह के हमने कैरेक्टर्स के ऊपर अपनी बातें हैं वो की, कि यहां से लगे थे कि जिम्नोस्पर्म के अंदर है वो नेक्ट यानी कि नगन नगन है वो सीड पाया जाता है, नगड सीड के बाद में हमने यहां पर देखा कि किस तरह से इनके अंदर जाती है, उनका निर्माण हमें यहां पर देखने को मिला है। ठीक है, इन सभी बातों के ऊपर है वो हमने अपनी बातें हैं वो कर ली। अब बात करते हैं कि जिम्नोस्पर्म का हेबिटाट एरिया जो होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो जिम्नोस्पर्म का जो हेबिटाट होगा यानी आवास के ऊपर है वो हमें यहां पर बात करनी है, कि किस तरह का आवास स्थान होता है वो यहां पर पाया जाता है। ठीक है ना, तो आवास स्थान के ऊपर है वो हमें यहां पर बात करनी है कि कैसा आवास है वो हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो देखिए हमें यहां पर बात कर ली थी कि जिम्नोस्पर्म का जो प्लांट होता है वो क्या होता है, छोटा भी हो सकता है, मीटर के अंदर भी हो सकता है, सेंटीमीटर के अंदर भी पाया जाता है। तो यहां पर क्या देखने को मिलेगा हमें कि जिम्नो का प्लांट, जिम्नो का पादप लंबा और छोटा मिलता है, यानी कि लंबा जो होगा वो कैसा होता है, लंबा होगा वो कैसा होगा, मीटर के अंदर मिलेगा, और जो छोटा होगा वो कैसे मिलता है हमें, सेंटीमीटर के अंदर मिलता है। इस बात का खास कर ध्यान रखिएगा कि यहां पर पाया जाने वाला जो प्लांट होगा वो कैसे होता है, लंबा प्लांट होता है और छोटा होता है वो कैसा होता है, जिम्नोस्पर्म का होता है। अब देखिए कि लगभग 400 फीट संसार का सबसे लंबा जो प्लांट है, संसार के अंदर
सबसे लंबा प्लांट है वो किसका है यहां पर, इस जिम्नोस्पर्म का है, सबसे लंबा पादप। ठीक है, लंबा पादप उसकी ऊंचाई कितनी है यहां पर, वो है 400 फीट की। ठीक है ना, तो 400 फीट की ऊंचाई है, सबसे लंबा जो पादप यहां पर पाया जाता है वो कौन सा है यहां पर, तो वो है सिकुइया। कौन सा पादप है यहां पर पाया जाने वाला, तो वो है हमारा सिकुइया। ठीक है, कौन सा सबसे लंबा पादप है, 400 फीट इसकी ऊंचाई है, सिकुइया सिंपर वायरेंस। ठीक है, ये पादप है वो याद रखिएगा, इस पादप को सिकुइया सिंपर वायरेंस, ये पादप सबसे लंबा पादप है। जितने भी पादप अर्थ पर धरती के ऊपर पाए जाते हैं उनमें से सबसे लंबे पादप की हम बात करते हैं तो वो हमारा जिम्नोस्पर्म का पादप है, यानी जिम्नोस्पर्म के अंदर जिसकी ऊंचाई मिलती है हमें 400 फीट की ऊंचाई है वो यहां पर मिलती है, और लगभग इस पादप की आयु है वो कितनी है, 4600 वर्ष से अधिक की आयु है वो इसकी हो चुकी है। यदि इस वृक्ष की आयु की हम बात करें, इस प्लांट के अगर आयु की बात करें, एज के ऊपर हम बात करते हैं, तो एज है वो लगभग कितनी है इसकी, 4600 वर्ष की एज है वो का प्लांट यहां पर मिल रहा है। ठीक है ना, तो कितनी एज है यहां पर इसकी, 4600 वर्ष, यानी कि ईयर के रूप में हम यहां पर बात कर रहे हैं, तो इसकी एज देख लीजिए 4600। अब कोई पादप होगा वो 40 साल तक जीवित नहीं रह सकता, ये 4600 साल तक है वो ये जीवित रहता है। तो ध्यान रखिए, सबसे लंबा पादप भी यही है और सबसे ज्यादा जो एज का पादप है वो भी यही है। सदा ये हरा भरा रहता है, बहुवर्षीय छूप के रूप में हमें ये देखने को मिलता है, मतलब इसकी एज जो होती है वो हमें देखने को मिली कि यहां पर क्या होता है, 4600 यानी कि बहुत सालों तक रहता है। तो यहां पर पादप जो होगा वो कैसे होता है, छूप के रूप में, यानी कि यहां पर कैसे मिलता है, ये सर्ब के रूप में है वो ये पादप पाया जाता है। इसके साथ साथ ये कैसा होता है, हमारा बहुवर्षीय पादप है वो हमें यहां पर देखने को मिलता है। तो ये कैसा पादप है, बहुवर्षीय पादप है वो यहां पर हमें पाया जाता है। तो पादप बहुवर्षीय होगा, छूप रूप में मिलता है, और इसके साथ साथ इसके अंदर हमारे पास मरुस्थल के प्रति है वो क्या होता है, अडप्टेशन पाया जाता है। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि मरुस्थल के प्रति होगा वो हमारे पास अडप्टेशन जो होता है वो यहां पर पाया जाएगा। तो क्या होगा, जीरो फिटिक अडप्टेशन है वो यहां पर देखने को मिलता है, यानी कि मरुद्भिद अनुकूलन जिसे हम बोलते हैं, जिनके अंदर हमारे पास क्या मिलता है कि प्लांट कैसे बिना पानी के जीवित रहेगा, किस तरह की कंडीशन यहां पर बनेगी, उसी के आधार पर हम यहां पर क्या करते हैं, मरुद्भिद अनुकूलन जो होता है वो यहां पर पाया जाता है। तो बात करते हैं कि ये जिम्नोस्पर्म का पादप है, सबसे लंबा पादप है वो 400 फीट का है, जिसे हम सिकाया सिंपर वायरस कहते हैं। वर्ग इस वर्ग सिपाही यानी कि सिकुइया सिंपर वायरस की एज जो है वो कितनी हो चुकी है, 4600 साल है वो इसकी एज होती है। छूप रूप में हमें यह देखने को मिलता है, बहुवर्षीय पादप है, और जीरो फिटिक इसके अंदर क्या होती है, मरुद्भिद के प्रति है वो क्या पाया जाती है, अनुकूलता है वो यहां पर हमें देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर हमारे पास कैसे अनुकूलता है, कैसे आवास स्थान है वो हमें देखने को मिलता है। अब ये बातें हमने कर ली है इसके जनरल करेक्टर्स के बारे में, हैबिटेट के बारे में, यानी किस तरह का आवास है वो हमें देखने को मिलेगा। इन सभी के बारे में बात करने के बाद में अब करते हैं इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, यानी कि जो बाह्य संरचना हमें देखने को मिलती है वो कैसी होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर कि बाह्य संरचना जो बनती है वो कैसी संरचना यहां पर पाई जाती है। ये तो हमें यहां पर ही देखने को मिला कि ये बाह्य संरचना के अंदर बात करेंगे तो सबसे पहले हम बाह्य संरचना के अंदर यही बात कर लेते हैं कि यहां पर पादप होगा वो कैसा होता है, हमारा
बहुवर्षीय पादप होता है वो होता है। ठीक है, ये पादप कैसा पादप होगा? बहुवर्षीय पादप होगा। और इसका वायव्य यानी कि स्टेम के ऊपर बात करते हैं तो स्टेम कैसा होता है हमारा? तो वो होता है एक ऊर्ध्वाधर रूप में है वो पाया जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप में हमें देखने को मिलेगा। और गोल होता है, ठीक है, गोल भी होगा। और साथ साथ में वो कैसा होता है यहां पर पाया जाने वाला? तो वो बेलनाकार रूप के अंदर है वो भी मिलता है। तो ऊर्ध्वाधर रूप में स्टेम होगा वो मिलेगा, बेलनाकार मिलेगा, गोलाकार मिलेगा। इसके साथ 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 में हमारे पास क्या होता है यहां पर? ब्रांच मिलता है यानी कि शाखित रूप में है वो ये पाया जाएगा। लेकिन यहां पर एक अपवाद है, वो कौन सा है हमारा? यहां पर अपवाद के रूप में हम देखते हैं तो जो हमारा साइकस मिलता है वो साइकस क्या होता है? एन ब्रांच होता है यानी कि अशाखित रूप के अंदर है वो मिलता है। और सभी पादप जो होंगे वो हमारे पास कैसे होंगे? ब्रांच के रूप में मिलेंगे। लेकिन ये पादप जो साइकस की बात हम कर रहे हैं ये क्या मिलता है हमारा? अशाखित पादप है वो होता है। इसके ऊपर हमारे पास अनेक प्रकार की यानी कि लीफ होती है, अन्य वो लीफ की एक परत के रूप में पाई जाती है। तो क्या होगा? प्लांट पर यानी जिम्नोस्पर्म के प्लांट पर क्या करती है? लीफ एक आवरण के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना? तो लीफ होगी वो कैसी होती है? आवरण के रूप में है वो यहां पर क्या होती है हमारी? पाई जाती है। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर कैसी संरचना किस प्रकार की हमें देखने को मिलती है। तो यहां पर जो लीफ होगी वो कैसी होती है? एक आवरण में है वो हमें देखने को मिलेगी। और जैसे जैसे आवरण की बात करते हैं तो इनके अंदर ये बाहर की तरफ हमें जैसे शंकु आकार या पिरामिड के आकार की संरचना है वो दिखती है। कैसे दिखती है हमें? शंकु आकार, शंकु के आकार की दिखती है। साथ साथ में हमारे पास पिरामिड की स्ट्रक्चर यानी कि पिरामिड नुमा संरचना जो होती है वो भी यहां पर पाई जाती है। तो पिरामिड नुमा संरचना भी मिल सकती है या फिर वो एक शंकु के आकार के रूप में है वो हमें यहां पर पाई जाने वाली लीफ जो होती है वो हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब देखिए कुछ जिम्नोस्पर्म ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर हमें ब्रांच जो होती है क्या होगी? कुछ पादपों में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ब्रांच जो निकलती है ब्रांच लंबी हो सकती है, ठीक है। ब्रांच जो होगी वो क्या हो सकती है? एक लंबी श्रृंखला के रूप में पाई जा सकती है या फिर वो ब्रांच होगी वो कैसी हो सकती है? बोनीपन के रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। तो अलग अलग प्रकार के अंदर अलग अलग जो जिम्नोस्पर्म के पादप हमें यहां पर मिलते हैं उन जिम्नोस्पर्म के पादप के अंदर जो ब्रांच निकलती है वो ब्रांच अलग अलग हो सकती है। अलग अलग ब्रांच के अंदर पाई जाने वाली है, छोटी भी ब्रांच हो सकती है, बड़ी भी ब्रांच है, वो भी हमें यहां पर देखने को मिलती है, ठीक है। ये तो था हमारा इनकी स्टेम के ऊपर की बात कैसे होते हैं। लेकिन स्टेम के बाद में यदि हम यहां पर लीफ के ऊपर बात करें, यदि हमारे पास लीफ की संरचना के ऊपर बात करें कि हमें बाहर से लीफ कैसे दिखाई देती है, तो लीफ होती है वो देखिए यहां पर एक लीफ होती है जो सरल पिच्छाकार आकृति के रूप में पाई जाती है। यहां पर लीफ जो होगी लीफ सरल रूप में हमें मिलती है या फिर वो कैसे मिल सकती है? तो वो पिच्छाकार के रूप में क्या होती है? पाई जाती है, ठीक है ना। तो लीफ होती है वो कैसे मिलती है? तो लीफ सरल प्रकार की भी हमें यहां पर देखने को मिल सकती है, इसके साथ साथ पिच्छाकार जो आकृति होती है उनके अंदर भी हमें देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ यहां पर मोटी या फिर पर्णपाती रूप में मिलती है, मोटी लीफ भी मिल सकती है या फिर वह लीफ जो क्या होती है बार बार पात के रूप में यानी नीचे गिरती रहती है पर्णपाती रूप में पाई जाती है, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा हमारा? पर्णपाती रूप में है
वो यहां पर हमारे पास क्या देखने को मिल सकती है, लीफ जो होती है वो पाई जाती है। ठीक है, ये भी देख लिया, सरल प्रकार की होगी, पीछा प्रकार की हो सकती है, या फिर साइकस के अंदर बात करते हैं, हमारे पास साइकस के अंदर हम बात करते हैं तो साइकस की लीफ, जो साइकस की लीफ होती है वो कैसी होती है, मुकुट के आकार नुमा। ठीक है ना, तो यहां पर कैसी संरचना होगी, आकार नुमा संरचना है वो यहां पर लीफ है, वो यहां पर क्या होती है हमारी साइकस के अंदर है वो पाई जाती है। तो साइकस के अंदर हमें यहां पर क्या देखने को मिलता है, एक मोटी मुकुट नुमा संरचना जो होती है वो यहां पर हमारे पास है वो देखने को मिलती है। ये तो था हमारा रूट के ऊपर बात। यदि अब हम बात करते हैं इसके लीफ के ऊपर, बात कर ली लीफ के ऊपर बात की, अब हम बात करते हैं अपने रूट भाग के ऊपर कि रूट जो होगा वो हमें कैसी संरचना यहां पर देखने को मिलती है। तो रूट होता है वो कैसा होगा, मूसला मूल यानी टैप रूट के रूप में पाई जाती है। तो रूट होगी वो कैसी होती है, टैप रूट बोल सकते हैं, या फिर उसको हम किस नाम से जानते हैं यहां पर, मूसला मूल जो होती है वो कहते हैं। तो मूसला मूल के रूप में है वो हमें देखने को मिलती है। ठीक है, तो यहां पर संरचना जो बनती है वो कैसी संरचना यहां पर पाई जाती है, तो वो संरचना हमारी मूसला मूल यानी टैप रूट होती है, वो यहां पर हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये रूट क्या होती है हमारी, अल्पजीवी है वो होती है। कैसी संरचना यहां पर पाई जाती है, अल्पजीवी के रूप में, यानी ये रूट जो मिलती है ये क्या होती है हमारी, कुछ ही समय तक क्या होती है यहां पर ये जीवित रहती है, यानी अल्पजीवी के रूप में है वो पाई जाती है। साथ साथ में ये क्या करती है, जल और खनिज लवणों का अवशोषण है वो ये करती ही करती है। कौन सी, टैप रूट यानी जो मूसला मूल की हम बात कर रहे हैं उसकी हम संरचना के ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये मूसला मूल के ऊपर है, तो यह जल और साथ साथ में क्या करती है, खनिज लवणों का अवशोषण करती है। ठीक है ना, तो खनिज लवणों का क्या किया जाता है यहां पर हमारे पास है, वो अवशोषण जो होगा वो किया जाता है। तो यहां पर हमने देख लिया था किस तरह से हमारे पास रूट का निर्माण होता है, कैसे रूट का फॉर्मेशन होता है, किस तरह की रूट, यहां पर हमने एक्सटर्नल संरचना के ऊपर बातें की, यहां पर हमने लीफ और रूट के ऊपर है वो हमने अपनी बातें हैं वो कर ली है। तो इसके बारे में बात कर ली है, अब हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम बात करेंगे अपने बाह्य इंटरनल संरचना के ऊपर कि आंतरिक संरचना जो है वो हमें किस प्रकार की, किस तरह से यहां पर दिखाई देती है, कैसी संरचना यहां पर पाई जाती है उनके ऊपर है वो हम बात करेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में।